आज हम लाइबनीज़ को डिस्कस करेंगे, उसका कंसेप्ट ऑफ मोनाड्स उसको देखेंगे, ठीक। लेकिन ये डिबेट स्टार्ट होती है रेने डेकार्ट से। रेने डेकार्ट माइंड बॉडी ड्यूलिज्म का कंसेप्ट लाता है, फिर उसके बाद स्पिनोजा आता है, वो माइंड बॉडी ड्यूलिज्म को रिजेक्ट करता है और अपना कंसेप्ट देता है मोनिज्म का कि सिर्फ एक सब्सटेंस है। फिर उसके बाद आता है लाइबनीज़, इसी डिबेट को कंटिन्यू करता है, ठीक, और वो फिर अपना मोनाड्स का कंसेप्ट देता है, ठीक। अब डेकार्ट्स और स्पिनोजा के ऊपर मैंने डिटेल्ड लेक्चर बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दोनों लेक्चर्स के मैं लिंक दे दूंगा, आप जरूर जाके देखें। अगर आपको वहां पे इनके अभी यहां पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो वहां पे उनको जरूर जाके देखें ताकि आपको ये डिबेट समझ आए, ठीक। यहां पे हम हल्का फुल्का रिकैप करेंगे ताकि इसको हम रिलेट कर सकें लाइबनीज़ के साथ, ठीक। डेकार्ट्स इंट्रोड्यूस करता है डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट। डेकार्ट्स के मुताबिक दो इंडिपेंडेंट रियलिटीज हैं, एक माइंड और दूसरा बॉडी। माइंड का एट्रीब्यूट है थॉट और बॉडी का एट्रीब्यूट है एक्सटेंशन। माइंड इमटीरियल है, बॉडी मटीरियल है, ठीक। अब रेने डेकार्ट्स की अगर पूरी फिलॉसफी को देखा जाए, जिसको अभी हम यहां पे रिलेट भी करेंगे, तो वो इस तरह है। देखिए, ये जो गोल सर्कल आपको नजर आ रहा है, ये दुनिया है, वर्ल्ड। रेने डेकार्ट्स कहता है कि दुनिया के अंदर दो इंडिपेंडेंट रियलिटीज हैं, एक है माइंड जो कि इमटीरियल है और उसका एट्रीब्यूट है थॉट, और दूसरी इंडिपेंडेंट रियलिटी है बॉडी जो कि मटीरियल है, उसका एट्रीब्यूट है एक्सटेंशन, ठीक, दुनिया के अंदर। और इसके अलावा ये माइंड और बॉडी जो दुनिया के अंदर इंडिपेंडेंट रियलिटीज हैं, ये डिपेंड करती हैं गॉड के ऊपर जो कि इस दुनिया से बाहर है, ट्रांसेंडेंटल है गॉड, ठीक। यहां तक बात समझ आई? अब देखें मजीद, रेने डेकार्ट्स ने नंबर ऑफ सब्सटेंसेस जो इंट्रोड्यूस किए वो तीन थे। तीन में से दो जो सब्सटेंसेस हैं इंडिपेंडेंट सब्सटेंसेस, वो दुनिया के अंदर हैं, माइंड और बॉडी, और एक इंडिपेंडेंट सब्सटेंस दुनिया से बाहर है जो कि गॉड है, ठीक। अब इस डिबेट को मजीद कंटिन्यू करते हैं स्पिनोजा। वो माइंड बॉडी डुअलिज्म जो डेकार्ट्स का है उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक। मैंने स्पिनोजा की जो वीडियो बनाई उसमें डिटेल में बताया कि कैसे रिजेक्ट करते हैं, ठीक। यहां पे हम सरसरी देखेंगे तो स्पिनोजा कंसेप्ट लाते हैं मोनिज्म का, डुअलिज्म को रिजेक्ट करते हैं कि दो इंडिपेंडेंट रियलिटीज नहीं होती। वो कंसेप्ट लाते हैं मोनिज्म का कि गॉड इज द ओनली इंडिपेंडेंट सब्सटेंस। स्पिनोजा के मुताबिक सिर्फ एक इंडिपेंडेंट सब्सटेंस है और वो है गॉड, ठीक। और ये जो रेने डेकार्ट्स कहता है कि दो इंडिपेंडेंट सब्सटेंसेस हैं माइंड और बॉडी, माइंड का एट्रीब्यूट है थॉट और बॉडी का एट्रीब्यूट है एक्सटेंशन, स्पिनोजा कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। थॉट और एक्सटेंशन ये दोनों पैरेलल एट्रीब्यूट्स हैं उसी एक सब्सटेंस के, गॉड के। एक ही सब्सटेंस है इंडिपेंडेंट गॉड अकॉर्डिंग टू स्पिनोजा, और उसके ये दो पैरेलल एट्रीब्यूट्स हैं थॉट और एक्सटेंशन। वो सोचता भी है और एक्सटेंड भी होता है, वो सोचता भी है और एक्सटेंड भी होता है। अब स्पिनोजा यहां पे पैंथीज्म का कंसेप्ट ले आते हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ भी है, ये सकल आप देख रहे हैं, जो कुछ भी है ये यूनिवर्स दुनिया, जो कुछ भी है ये सब कुछ गॉड के अंदर है। यानी एक ही इंडिपेंडेंट रियलिटी है गॉड, और बाकी सब कुछ गॉड के अंदर है, सब कुछ गॉड के अंदर है, ठीक। अब देखो, गॉड के दो पैरेलल एट्रीब्यूट्स हैं थॉट और एक्सटेंशन, ठीक। लेकिन दुनिया के अंदर हमें ह्यूमन थॉट भी तो नजर आती है, ठीक। हमें दुनिया के अंदर एक्सटेंडेड चीजें भी तो नजर आती हैं, मेरी बॉडी हो गई, पत्थर हो गए, पौधे हो गए, प्लांट्स हो गए। तो स्पिनोजा कहता है कि ये असल में मोड्स हैं, इन दो एट्रीब्यूट्स के मोड्स हैं ये। थॉट का मोड क्या होगा? बिलीफ, डिजायर्स, जो कि दुनिया के अंदर हमें नजर आता है। और एक्सटेंशन के फर्दर मोड्स क्या होंगे? शेप, साइज, ठीक। तो स्पिनोजा मोड्स का कंसेप्ट लाता है। समझ आई यहां तक बात की? गौर से सुने, जितना कुछ है सब कुछ गॉड के अंदर है। एवरीथिंग इज इनसाइड गॉड। देखो, ऑल इज गॉड, एवरीथिंग इज इनसाइड गॉड, एवरीथिंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ टू पैरेलल एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। कि जो भी दुनिया के अंदर हमें चीजें नजर आ रही है, इनफैक्ट दर हकीकत ये चीजें मॉडिफिकेशंस हैं दो पैरेलल एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, उनकी मॉडिफिकेशंस हैं जिन्हें वो मोड्स कहता है। अब यहां तक बात समझ आई? गॉड हो गया, सब कुछ गॉड के अंदर है, दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो मॉडिफिकेशन ऑफ गॉड है, गॉड के दो ही पैरेलल एट्रीब्यूट्स हैं थॉट और एक्सटेंशन, और फिर इस थॉट के फर्दर मोड्स हैं बिलीफ, डिजायर, एक्सटेंशन के फर्दर मोड्स हैं शेप, साइज। तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इनसाइड गॉड एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ गॉड। यहां तक बात समझ आई? ये स्पिनोजा का कंसेप्ट था। अब हम आते हैं लाइबनीज़ के ऊपर। लाइबनीज़ क्या कहता है? देखें, डेकार्ट्स डुअलिज्म का कंसेप्ट लाया,
स्पिनोजा मोनिज्म का कंसेप्ट लाया कि सिर्फ एक इंडिपेंडेंट रियलिटी है। लेबनीज प्लूरलिज्म का कंसेप्ट लाता है कि वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ दो रियलिटीज हैं, जैसे डेकार्ट्स के मुताबिक नंबर ऑफ सब्सटेंसेस तीन हो गए, स्पिनोजा के मुताबिक नंबर ऑफ सब्सटेंस एक है गॉड, लेबनीज के मुताबिक नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इनफाइनाइट है, मेनी है, बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब्सटेंसेस है, ठीक। और उन सब्सटेंसेस को वो नाम देता है मोनाड्स का। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा एटम्स का कंसेप्ट। एटम्स होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिनसे बाकी चीजें मिलकर बनती हैं, ये वही चीज है। लेकिन इसके जो मोनाड्स हैं उसके फीचर थोड़े डिफरेंट हैं। एटम्स का तो आप पढ़ते हो ना, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। जो लेबनीज के मोनाड्स हैं इसके फीचर्स डिफरेंट है, क्योंकि लेबनीज ईच मोनाड को इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोनाड्स हैं, लेकिन उनमें से हर एक मोनाड इंडिपेंडेंट रियलिटी रखता है। यानी डेकार्ट्स के मुताबिक नंबर ऑफ सब्सटेंसेस तीन थे, दो दुनिया के अंदर माइंड और बॉडी, और एक दुनिया से बाहर गॉड। स्पिनोजा के मुताबिक नंबर ऑफ सब्सटेंस एक है, सिर्फ गॉड है और सब कुछ गॉड के अंदर है। लाइबनीज के मुताबिक नंबर ऑफ सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब्सटेंसेस हैं और उन सब्सटेंसेस का नाम है मोनाड्स। समझ आई यहां तक बात की? अब जो आप केमिस्ट्री फिजिक्स में एटम्स का कंसेप्ट पढ़ते हो ना, इस एटम के कंसेप्ट को यहां पे जहन में रखना। ये नंबर ऑफ मोनाड्स जो हमने बनाए हैं ना, ये छोटे छोटे, सपोज करो ये एटम्स हैं, लेकिन ये मेटाफिजिकल एटम्स हैं, क्योंकि इनमें से हर एटम इंडिपेंडेंट है और हर एटम, हर मोनाड एक सब्सटेंस है, ठीक। अब देखो इन मोनाड्स के फीचर्स क्या हैं लेबनीज के मुताबिक, कि ईच मोनाड क्या है, सिंपल यूनिट ऑफ फोर्सेस है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एग्रीगेट होते हैं, ठीक, सिंपल यूनिट ऑफ फोर्सेस हैं, इमटीरियल हैं, इंडिविजिबल हैं, इनको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, सबसे छोटे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, हर मोनाड इंडिपेंडेंट है, ठीक। एग्रीगेट, एक फीचर इन मोनाड्स का यह भी है कि ये एग्रीगेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जिसकी वजह से दुनिया में चीजें हमें नजर आती हैं, हमें इंसान नजर आते हैं, हमें जानवर नजर आते हैं, हमें प्लांट्स नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोनाड्स डिफरेंट डिग्रीज में एक दूसरे के साथ मिलते हैं। जब एटम्स आप केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ते हो, जब एटम्स मिलते हैं, बॉन्ड्स बनते हैं, तो जाहिर है उसमें से फिर कोई ना कोई प्रोडक्ट बनता है। तो लेबनीज का भी यही कंसेप्ट है कि इसने कहा कि मोनाड्स जो है वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये फोर्सेस है, ठीक, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। फिर हर मोनाड के अंदर, ईच मोनाड, हर मोनाड के अंदर पावर ऑफ परसेप्शन है, लेकिन वेरी करती है, किसी के अंदर परसेप्शन ज्यादा है, किसी मोनाड के अंदर परसेप्शन कम है, लेकिन पावर ऑफ परसेप्शन सब मोनाड्स के अंदर है। मैंने पहले कहा कि वेरी करती है, जिसकी वजह से डिफर इन क्लैरिटी होती है, कुछ मोनाड्स ज्यादा क्लियर होते हैं, उनके अंदर ज्यादा कॉन्शियसनेस होती है, कुछ मोनाड्स लेस क्लियर होते हैं, उनके अंदर कॉन्शियसनेस कम होती है। अब जब हम हायरार्की ऑफ मोनाड्स पढ़ेंगे ना, ये देखें, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इसके जरा फीचर्स देखें, देखें फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ क्लियरनेस ऑफ कॉन्शियसनेस। और इनके हर मोनाड के अंदर परसेप्शन तो है, लेकिन परसेप्शन वेरी करती है हर मोनाड के अंदर, किसी की परसेप्शन बहुत ज्यादा है, किसी की परसेप्शन कम है, जिसकी वजह से किसी मोनाड की क्लैरिटी बहुत ज्यादा है, किसी मोनाड की क्लैरिटी कम है। इसका यह मतलब हुआ कि किसी मोनाड की कॉन्शियसनेस ज्यादा है, किसी मोनाड की कॉन्शियसनेस कम है। तो फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ क्लियरनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक। फिर एक और फीचर देखो, ये दो तीन पॉइंट्स जो हैं क्लैरिटी का, क्लियरनेस इन कॉन्शियसनेस का, ये हम यहां से करेंगे, हायरार्की ऑफ मोनाड से आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। एक और फीचर है मोनाड का कि ये विंडोलेस है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मोनाड का। लेबनीज कहता है कि ये मोनाड्स विंडोलेस हैं। विंडोलेस क्या मतलब? विंडो, आपके कमरे में, आपके रूम में एक विंडो होती है ना, जिससे वेंटिलेशन होती है, अंदर की हवा बाहर, बाहर की हवा अंदर, फ्रेश एयर आती है, ठीक, विंडोलेस, सॉरी विंडो होती है। तो लेबनीज के मुताबिक क्या है? मोनाड्स विंडोलेस हैं। अगर मैं इनमें से किसी एक मोनाड को यहां पे बड़ा करके बनाऊं इस तरह करके, तो ये कंप्लीटली कवर्ड है, इनके अंदर कोई विंडो नहीं है कि जिससे बाहर की कोई चीज अंदर आ सके। सपोज करो अगर मोनाड के अंदर विंडो होती है, देखो मैंने यहां पे विंडो बना दी, तो बाहर से चीजें मोनाड के अंदर आती, ठीक, इसी तरह है ना। लेकिन लेबनीज कहता है कि ये विंडोलेस हैं, कंप्लीटली पैक्ड हैं, विंडोलेस हैं, कोई चीज ना बाहर से अंदर आ सकती है और ना अंदर से बाहर जा सकती है। अब यहां तक बात समझ आई मोनाड की, कि इनमें से एक मोनाड को मैंने बड़ा करके बनाया और हर मोनाड इसी तरह है कि विंडोलेस है, ठीक, उसके अंदर कोई जगह नहीं कि उससे, उसके अंदर बाहर से कोई चीज अंदर आ सके, कोई स्पेस नहीं।
विंडोलेस है, कंप्लीटली पैक्ड है। लेकिन लाइबनीज कहता है कि इनसाइड एवोल्यूशन होती रहती है मोनाड्स के अंदर, ये अंदर की तरफ इस तरह एवोल्यूशन होती रहती है इस तरह, लेकिन नथिंग इज लॉस्ट टू आउटसाइड। क्योंकि मोनाड्स विंडोलेस है तो कोई चीज बाहर नहीं निकल सकती एवोल्यूशन के दौरान, एंड नथिंग इज गेन्ड फ्रॉम आउटसाइड, और बाहर से कोई चीज अंदर नहीं आ सकती। एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है मोनाड्स के अंदर, लेकिन वो इंटरनल होता है, हर मोनाड के अंदर होता है एवोल्यूशन का प्रोसेस, लेकिन वो इंटरनल होता है। विंडोलेस है तो बाहर से कोई चीज अंदर नहीं आ सकती, अंदर से कोई चीज बाहर नहीं जा सकती। नथिंग इज लॉस्ट टू आउटसाइड एंड नथिंग इज गेन्ड फ्रॉम आउटसाइड। व्हाई? बिकॉज मोनाड्स आर विंडोलेस। ठीक, यहां तक बात समझ आई? अब हायरार्की ऑफ मोनाड्स देखो, ये देखो इधर लिखा हुआ हायरार्की ऑफ मोनाड्स, ये हायरार्की मैंने बनाई है नीचे से ऊपर की तरफ, फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट, ये लोवेस्ट, फिर इस तरह ऊपर जाते जाएंगे हाईएस्ट की तरफ, गॉड की तरफ, जिसमें आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे, डिफर इन क्लैरिटी क्या है इसका मतलब। अब अच्छा एक चीज और यहां पे याद रखो कि मैंने यहां पे लिखा नहीं, लेकिन यहां पे आप एक पॉइंट फीचर का और ऐड कर दो कि लाइबनीज कहता है कि हर मोनाड का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन, हर मोनाड का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इस तरह ये पॉइंट इधर ऐड कर दो कि हर मोनाड का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक, कैसे? अब हायरार्की ऑफ मोनाड्स को हम देखते हैं। जो लाइफलेस थिंग्स है दुनिया के अंदर, जैसे स्टोन्स हो गए, चेयर हो गई, टेबल्स हो गए, लाइफलेस जितनी भी चीजें हैं दुनिया के अंदर, बेजान चीजें, अकॉर्डिंग टू लाइबनीज कि ये जस्ट मेयर एग्रीगेशन ऑफ अनकॉन्शियस मोनाड्स हैं। जो अनकॉन्शियस मोनाड्स हैं, देखो स्पेसिफिक फंक्शन, अनकॉन्शियस मोनाड्स हैं, उनका सिर्फ काम है कि एग्रीगेशन करना, और लाइफलेस जो चीजें हैं उनको बनाना। तो जो लाइफलेस थिंग्स हैं उनके अंदर मेयर एग्रीगेशन ऑफ अनकॉन्शियस मोनाड्स है। अब अगर मोनाड्स अनकॉन्शियस हैं तो क्या है उनके अंदर? नो क्लैरिटी है। आप पत्थर के अंदर देखते हो, पत्थर के अंदर नो क्लैरिटी, विच मींस के नो कॉन्शियसनेस। क्लैरिटी का यहां से मतलब निकालो कॉन्शियसनेस का, नो क्लैरिटी इट इंप्लाइज डेट नो कॉन्शियसनेस। पत्थरों के अंदर कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती, बेजान चीजें हैं, पत्थर या कोई भी चीज बेजान है, उनके अंदर सिर्फ एग्रीगेशन होता है अनकॉन्शियस मोनाड्स का, उनमें नो क्लैरिटी होती है और नो कॉन्शियसनेस होती है। ठीक, ये सबसे लोवेस्ट लेवल है। फिर इससे ऊपर आते हैं प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर सब कॉन्शियस मोनाड्स होते हैं, थोड़े बहुत कॉन्शियस होते हैं वो मोनाड्स। ठीक, देखो स्पेसिफिक फंक्शन हो गया कि थोड़े बहुत कॉन्शियस हैं, और क्लैरिटी में भी डिफरेंस आ रहा है। यहां पे बिल्कुल नो क्लैरिटी थी लाइफलेस चीजों के अंदर, यहां पे लेस क्लैरिटी आ रही है, कम है, क्लैरिटी है पर बहुत कम है। अगर लेस क्लैरिटी है तो इसका मतलब बिल्कुल वेरी लेस कॉन्शियसनेस है प्लांट्स के अंदर। फिर इससे ऊपर वाला स्टेज आता है एनिमल्स का, यहां पे भी सब कॉन्शियस मोनाड्स होते हैं, लेकिन यहां पे क्वीन मोनाड होती है एज लेस गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ मोनाड्स। यानी कि ऐसे समझो कि वो कहना चाह रहा है कि यहां पे क्वीन मोनाड होती है एनिमल्स के अंदर, और इसके इर्द गिर्द बाकी मोनाड्स होते हैं इस तरह। ठीक, अब ये क्वीन मोनाड जो है उनको गाइड करती है, ये जो क्वीन मोनाड है ये उनको गाइड करती है, गाइडिंग प्रिंसिपल है, बाकी मोनाड्स को गाइड करती है। प्लांट्स के अंदर आपको क्वीन मोनाड नजर नहीं आते, जिसकी वजह से उनके अंदर बिल्कुल लेस क्लियरिटी है, लेस कॉन्शियसनेस है, वेरी लेस कॉन्शियसनेस होगी। एनिमल्स के अंदर आपको क्वीन मोनाड नजर आता है, लेकिन यहां पे भी सब कॉन्शियस मोनाड्स होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर स्लाइटली बेटर क्लैरिटी होती है। प्लांट्स की निस्बत देखा जाए तो एनिमल्स के अंदर स्लाइटली बेटर क्लैरिटी होती है, विच मींस के स्लाइटली बेटर कॉन्शियसनेस होती है एनिमल्स के अंदर एज कंपेयर्ड टू प्लांट्स। ठीक, फिर एनिमल्स से ऊपर वाला स्टेज आता है ह्यूमन का, ह्यूमन बींग्स का। ठीक, ह्यूमन बींग्स के अंदर कॉन्शियस मोनाड्स सबसे ज्यादा होते हैं, और यहां पे जो क्वीन मोनाड होता है वो बहुत एक्टिव होता है एज गाइडिंग प्रिंसिपल। इसी तरह का कंस्ट्रक्शन होती है, लेकिन यहां पे क्वीन मोनाड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, और प्लस साथ में कॉन्शियस मोनाड्स की तादाद ज्यादा होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक, और ये क्वीन मोनाड उनको गाइड करता है उन मोनाड्स को, तो इस वजह से कॉन्शियस मोनाड्स हैं, क्वीन मोनाड ज्यादा एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स के अंदर बेटर क्लैरिटी नजर आती है हमें एज कंपेयर टू एनिमल्स या एज कंपेयर टू प्लांट्स। बेटर हमें क्लैरिटी नजर आती है, बेटर क्लैरिटी से क्या मुराद है? बेटर कॉन्शियसनेस हमें नजर आती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक, फिर इससे ऊपर आता है गॉड।
जिसके अंदर सुपर कॉन्शियस एंड परफेक्ट मोनाड होता है, सुपर कॉन्शियस और परफेक्ट मोनाड होता है। जब यहां पे गॉड के अंदर सुपर कॉन्शियस और परफेक्ट मोनाड होगा तो एब्सोल्यूट क्लैरिटी होगी, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस होगी। यहां तक बात समझ आई? ये फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट हम गए। अब यहां पे आपने क्या क्या चीजें नोट की कि मोनाड्स डिफर इन क्लैरिटी। अनकॉन्शियस मोनाड है तो बिल्कुल क्लैरिटी होगी नहीं, सबकॉन्शियस मोनाड है तो लेस क्लैरिटी, लेस कॉन्शियसनेस होगी। एनिमल्स के अंदर आओ, है सबकॉन्शियस मोनाड लेकिन साथ में क्वीन मोनाड भी है जो कि गाइड कर रहा है, जिसकी वजह से एनिमल्स की जो क्लैरिटी है, कॉन्शियसनेस है, वो प्लांट्स की निस्बत स्लाइटली बेटर होगी। फिर ह्यूमन बींग्स की तरफ आओ, वहां पे कॉन्शियस मोनाड्स हैं, क्वीन मोनाड बहुत एक्टिव है, गाइडिंग प्रिंसिपल है ह्यूमन बींग्स के अंदर, जिसकी वजह से बेटर क्लैरिटी, बेटर कॉन्शियसनेस है। देखो डिफर इन क्लैरिटी, क्लैरिटी का आपको फर्क नजर आ रहा है जैसे जैसे आप लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जा रहे हो। गॉड है वो सबसे सुप्रीम मोनाड है, सुपर कॉन्शियस मोनाड है, परफेक्ट मोनाड है, जिसकी वजह से गॉड के अंदर एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है। अब समझ आई यहां तक बात की? अब हम इस लाइबनीज को देखते हैं कि इसके मुताबिक माइंड बॉडी प्रॉब्लम ये इसको कैसे डिस्कस करता है लाइबनीज। फिर ये कंसेप्ट देता है प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी का, कि माइंड और बॉडी के दरमियान एक हार्मनी है, वो कैसे है, ये कैसे उसको देखता है, उसको डिस्कस करेंगे, फिर इस पे क्रिटिसिज्म देखेंगे। ठीक हो गया, मैं इसको इरेज करके लिख देता हूं, नोट कर लें जी। तो देखें माइंड के बारे में लाइबनीज कहता है कि द मोनाड्स ऑफ माइंड आर साइकिक फोर्सेस। माइंड का क्या काम है? थॉट। ठीक, तो जो माइंड के मोनाड्स हैं वो साइकिक फोर्सेस हैं जिसकी वजह से थॉट पॉसिबल होती है। और बॉडी के बारे में लाइबनीज कहता है कि द मोनाड्स ऑफ बॉडी आर मैकेनिकल फोर्सेस, यानी मैकेनिकली एक दूसरे के साथ वो लिंक्ड हैं जिसकी वजह से एक्सटेंशन पॉसिबल है। ठीक, समझ आई यहां तक बात की? अब देखो माइंड बॉडी हार्मनी कैसे होती है, माइंड की बॉडी के साथ एक हार्मनी कैसे डेवलप होती है, लाइबनीज क्या जवाब देता है? लाइबनीज कहता है कि नो इंटरेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी। जिस तरह हमने डेकार्ट्स पढ़ा था, डेकार्ट्स कहता था कि माइंड और बॉडी के दरमियान इंटरेक्शन होता है थ्रू पीनियल ग्लैंड, लाइबनीज कहता है कि माइंड और बॉडी के दरमियान में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, कोई इंटरेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि बिकॉज मोनाड्स आर विंडोलेस, मोनाड्स जो हैं वो कंप्लीटली पैक्ड हैं, इनकी कोई विंडो है ही नहीं कि वो इंटरेक्ट कर सके, तो माइंड और बॉडी के दरमियान में कोई इंटरेक्शन नहीं होती। वजह क्या है कि मोनाड्स विंडोलेस है। हार्मनी बिटवीन माइंड एंड बॉडी इज प्री एस्टैब्लिश्ड बाय गॉड। लेकिन लाइबनीज ये कहता है कि ये जो माइंड और बॉडी के दरमियान हार्मनी है ये पहले से प्री एस्टैब्लिश्ड है, और ये किसने एस्टैब्लिश की है? गॉड ने। ठीक, गॉड हैज अरेंज्ड द माइंड एंड बॉडी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इन सच अ वे दैट दे शैल गो टुगेदर। कि गॉड ने माइंड और बॉडी को शुरू से ही ऐसा बनाया है कि उनके दरमियान में हार्मनी है और वो इकट्ठे चलते हैं। अब ये पॉइंट इसका क्रिटिसिज्म पे आता है। लाइबनीज ने तो ये बात कह दी कि ये भाई प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी है और गॉड ने बनाई है, और इस तरह बनाई है कि माइंड और बॉडी इकट्ठे चलते हैं। अब क्रिटिसिज्म जब आता है तो सबसे पहला पॉइंट यही रेज होता है कि हाउ हैज गॉड एस्टैब्लिश्ड द हार्मनी बिटवीन माइंड एंड बॉडी। लाइबनीज कह रहा है कि भाई माइंड और बॉडी के दरमियान में इंटरेक्शन नहीं हो सकती क्योंकि मोनाड्स विंडोलेस है। तो फिर गॉड ने ये माइंड और बॉडी के दरमियान में इंटरेक्शन कैसे पॉसिबल बनाई, इसका जवाब लाइबनीज ने नहीं दिया, इसलिए क्रिटिसिज्म में ये पॉइंट उठता है कि गॉड ने फिर कैसे ये हार्मनी एस्टैब्लिश की है माइंड और बॉडी के दरमियान, क्या क्राइटेरिया रहा है, जबकि आप खुद कह रहे हो कि माइंड और बॉडी ये इंटरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनके जो मोनाड्स हैं, बल्कि जितने भी मोनाड्स हैं वो सारे विंडोलेस हैं। तो फिर गॉड ने किस क्राइटेरिया के थ्रू हार्मनी एस्टैब्लिश की है माइंड और बॉडी के दरमियान, लाइबनीज ने इसका जवाब नहीं था दिया, तो ये क्रिटिसिज्म में पॉइंट उठा। अगला देखो, व्हाट इज कंपेलिंग मोनाड्स टू एग्रीगेट। अब इसने, हमने जो पीछे पढ़ा था ना कि डिफरेंट लोअर स्टेज है, फिर उससे आप पे, फिर उससे आप पे, फिर सबसे ऊपर गॉड है, तो हर स्टेज में मोनाड्स की एग्रीगेशन होती है जिसकी वजह से हमें चीजें नजर आती हैं। ठीक, अब पत्थर है तो अनकॉन्शियस मोनाड्स इकट्ठा हुए हैं तो पत्थर बना है, इसी तरह सबकॉन्शियस मोनाड्स इकट्ठा हुए हैं तो प्लांट्स बने हैं, सबकॉन्शियस मोनाड्स प्लस क्वीन मोनाड लिटिल बिट एक्टिव इकट्ठे हुए हैं तो फिर क्या है, एनिमल्स हमें नजर आते हैं। फिर इसी तरह ह्यूमंस को आप देखो तो उसमें कॉन्शियस मोनाड्स प्लस एक्टिव क्वीन मोनाड है, तो उसकी वजह से हमें ह्यूमंस नजर आते हैं। तो ये मोनाड्स जो है ये एग्रीगेट किस तरह कर रहे हैं, क्या चीज इनको मजबूर कर रही है कि वो एग्रीगेट करें,
ये तो हमें लाइबनीज कहता है कि ये फोर्सेस हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, मोनाड्स, मोनाड्स आर फोर्सेस, ठीक, दे अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन किस बेस पे अट्रैक्ट करती हैं, क्या पॉजिटिव नेगेटिव है, किस बेस पे ये अट्रैक्ट कर रही हैं, उसका जवाब नहीं दिया, ठीक। हाउ आर विंडोलेस मोनाड्स परसीविंग, और फिर हमने इसके फीचर्स में पढ़ा था, लाइबनीज कहता था कि मोनाड्स के पास ये पावर है कि वो परसीव करते हैं यूनिवर्स को। तो फिर क्रिटिसिज्म ये आता है कि जब मोनाड्स विंडोलेस हैं, कोई चीज बाहर से अंदर नहीं आ सकती मोनाड के अंदर, ना अंदर से बाहर जा सकती है, तो फिर परसीव किस तरह करते हैं, क्या क्राइटेरिया है परसीव करने का, ठीक। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ गॉड टू ह्यूमन बीइंग्स। अब रेने डेकार्ट से, उसने कहा कि माइंड और बॉडी इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन वो गॉड के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक। इसी तरह स्पिनोजा ने कहा कि भाई ऑल इज गॉड, सब कुछ गॉड है और हम गॉड के अंदर हैं। लाइबनीज ने वो चीज नहीं बताई हमें कि गॉड का ह्यूमन बीइंग्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। लाइबनीज ने तो सिर्फ यही कहा कि गॉड जो है वो सुप्रीम है, सुप्रीम मोनाड है, सुपर कॉन्शियस मोनाड है, परफेक्ट मोनाड है, उसका ह्यूमन बीइंग के साथ क्या रिलेशन है, ये एस्टेब्लिश नहीं किया लाइबनीज ने, ठीक। आगे देखो अगला क्रिटिसिज्म, इफ देयर इज प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी देन इट कैन नॉट बी इंप्रूव्ड ऑन। अगर माइंड बॉडी की जिस तरह ये बात कर रहा है कि ये गॉड ने पहले से ही ये हार्मनी एस्टेब्लिश कर दी है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये हार्मनी गॉड ने एस्टेब्लिश कर दी है माइंड और बॉडी के दरमियान में, तो अगर ये प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी है तो फिर इसका मतलब इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स नहीं आ सकती, फिर तो ये जिस तरह चल रही है इट मींस कि ये डिटरमाइंड है, ये चलती रहेगी। तो अगर इसको लिंक किया जाए फिर तो इंडिविजुअल फ्रीडम भी नहीं, ठीक, कंप्लीटली डिटरमाइंड है, क्योंकि गॉड ने अकॉर्डिंग टू लाइबनीज कि ये पहले शुरू दिन से ही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उन्होंने ये एस्टेब्लिश कर दिए गॉड ने हार्मनी माइंड और बॉडी के दरमियान, फिर तो इंडिविजुअल फ्रीडम है ही नहीं, हम पूरी तरह डिटरमाइंड है, ठीक, ना हम इस हार्मनी के अंदर मजीद इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं। अगला क्रिटिसिज्म देखो, व्हाट डस ट्रिगर द एवोल्यूशन इनसाइड मोनाड। हमने जब मोनाड के फीचर्स पढ़े थे पीछे, तो लाइबनीज कहता था कि हर मोनाड के अंदर एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है और मोनाड्स विंडोलेस है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन बाहर से कुछ अंदर नहीं आता, अंदर से कुछ बाहर नहीं जाता, बस एवोल्यूशन अंदर होती रहती है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या चीज इस एवोल्यूशन को ट्रिगर कर रही है, मोनाड्स को विंडोलेस है, ना कुछ बाहर से अंदर आ रहा है ना अंदर से बाहर जा रहा है, तो फिर ये एवोल्यूशन को क्या चीज ट्रिगर कर रही है कि हर मोनाड के अंदर एवोल्यूशन हो रहा है, क्या चीज इसको ट्रिगर कर रही है, इसका भी जवाब नहीं दिया लाइबनीज ने, तो ये क्रिटिसिज्म बन गया, ठीक। यहां तक बातें समझ आई, चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।